साल 2008 में हमारे देश में एक ऐसे मर्डर केस की कहानी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इसमें हत्यारे ने हत्या करने के बाद लाश को करीब 300 टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाया था। जिस प्रकार से हत्यारों ने हत्या करने के बाद लाश के साथ जो हैवानियत दिखाई थी उसे देखकर समाज में रह रहे लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इंसान हैवान से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस मर्डर केस से उस समय फिल्म जगत में काम करने वाले लोग सदमे में आ गए थे, लेकिन जितना घिनौना ये मर्डर केस था उसके मुताबिक हमारे देश की अदालतों और न्याय प्रणाली ने हत्यारों को इस मर्डर के मुताबिक सजा नहीं दी। जानेंगे आज की वीडियो में फिल्मों से जुड़े मशहूर हस्ती नीरज ग्रोवर मर्डर केस की पूरी कहानी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत नीरज ग्रोवर से होती है। नीरज ग्रोवर का जन्म 23 फरवरी 1982 को उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले के किसानी में हुआ था। नीरज की पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने मास कम्युनिकेशन में डिग्री प्राप्त की हुई थी। फिल्मों की चाहत रखने वाले नीरज ग्रोवर अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपनों के शहर मुंबई पहुंच गया और सिंजी एड लेब नाम के एक प्रोडक्शन हाउस में बतौर टेलीविजन एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करने लगे। इस कंपनी के साथ काम करते हुए इन्होंने मशहूर टेलीविजन शो क्या आप पांचवी पास से तेज हो में काम किया। ये वही शो था जिसे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान होस्ट करते थे। इस शो के लिए शानदार काम करने की वजह से नीरज ग्रोवर को एक और अपकमिंग टेलीविजन सीरियल की जिम्मेदारी मिल गई। इसी के चलते नीरज ग्रोवर सीरियल से जुड़े एक्टर्स के ऑडिशन से जुड़े काम भी देख रहे थे। इस शो के लिए दर्जनों लड़कियां ऑडिशन देने आई थी। उन्हीं में से एक लड़की मारिया मोनिका सुसाईराज थी। मारिया मोनिका सुसाईराज पहले कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर चुकी थी। इस दौरान मारिया की कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्रीज में कई फिल्म सुपरहिट हुई थी। बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाने के लिए मारिया सुसाईराज सपनों की नगरी मुंबई आ पहुंची, लेकिन मुंबई में उन्हें उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। इसीलिए उन्होंने छोटे पर्दे के टीवी सीरियल में काम करने का फैसला किया। इसी अपकमिंग टीवी सीरियल के ऑडिशन के दौरान नीरज और मारिया मोनिका की मुलाकात हुई, परंतु मोनिका की हिंदी अच्छी ना होने की वजह से उसे उस सीरियल में काम नहीं मिला। लेकिन नीरज को मोनिका पहली ही मुलाकात में पसंद आ गई और इन दोनों के बीच काम के सिलसिले में बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान ही इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दरअसल नीरज ग्रोवर ने मोनिका को भरोसा दिलाया था कि वे उसे फिल्म इंडस्ट्रीज में काम जरूर दिलाएगा। फिल्मों में काम दिलाने की वजह से नीरज और मोनिका की बातचीत रोजाना होने लगी। इस बीच नीरज ग्रोवर मोनिका को मन ही मन में प्यार करने लग गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मोनिका का एक बॉयफ्रेंड है। जब दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी तो मोनिका ने नीरज को बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम लेफ्टिनेंट इमाइल जेरोम मैथ्यू है। इमाइल जेरोम मैथ्यू कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि वो इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट रैंक का अफसर था और उनकी पोस्टिंग कोची में थी। मारिया ने नीरज को बताया कि जेरोम से वो बचपन से प्यार करती है और उन दोनों की करीब 2 महीने बाद इंगेजमेंट होने वाली है। इस तरह से समय बीतता गया। अब जबकि मारिया और नीरज रात भर बात करते रहते थे तो जेरोम को इस बात से परेशानी होने लगी और वो नीरज और मारिया के ऊपर शक करने लग गया। नीरज को लेकर मैथ्यू और मोनिका में हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हुआ करता था, लेकिन मारिया हमेशा जेरोम से ये कहकर मना कर देती थी कि नीरज बस उसका दोस्त है और काम के सिलसिले में उससे बातचीत करनी पड़ती है। इस दौरान मारिया मोनिका सुसाईराज नीरज ग्रोवर के साथ उसके फ्लैट में कई महीनों तक रही, लेकिन इमाइल जेरोम मैथ्यू के बढ़ते शक के कारण उसने नीरज से अलग रहने का फैसला किया, क्योंकि अब उसे मुंबई में काम के सिलसिले में लंबे समय तक रहना था। तो नीरज की मदद से उसने मुंबई के मलाड में फ्लैट नंबर 201 धीरज सोल्टियर अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर ले लिया और एक नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी करने लगे। 6 मई 2008 की बात है। मोनिका ने घर के सामान को शिफ्ट करने के लिए नीरज ग्रोवर की मदद ली और सामान को शिफ्ट करते हुए नीरज और मोनिका को रात हो गई। इस बीच जेरोम मैथ्यू का फोन मारिया के पास आ गया। जब वो जेरोम से बात कर रही थी तो तभी अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज आ रही थी। उसके पूछने पर मारिया ने कहा कि नीरज मेरे घर को शिफ्ट करने में मदद कर रहा है। जेरोम मैथ्यू गुस्से में आग बबूला होकर मारिया पर चिल्लाने लगा।
और नीरज को जल्द से जल्द काम पूरा कर भेजने को कहा और गुस्से में आकर फोन कट कर दिया। इधर रात ज्यादा होने की वजह से नीरज मोनिका के घर पर ही रुक गया। वहीं दूसरी तरफ फोन कट जाने के बाद इमाइल जेरोम मैथ्यू के दिल में शक पैदा हो गया कि शायद नीरज और मोनिका के बीच में जरूर अवैध संबंध है और वो आज मोनिका के घर पर ही रुकेगा। इन बातों को सोचकर इमाइल जेरोम मैथ्यू रात भर बेचैन रहा और सुबह होते ही केरल एयरपोर्ट से मुंबई की पहली फ्लाइट पकड़कर सीधा मारिया के मलाड वाले नए फ्लैट पर पहुंच गया। जैसे ही जेरोम ने घर की बेल बजाई तो बेल की आवाज सुनकर मारिया ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही अपने सामने जेरोम मैथ्यू को खड़ा देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि इतनी सुबह में मैथ्यू यहाँ पर आ सकता है। इससे पहले मोनिका कुछ कह पाती, जेरोम मैथ्यू की नजर मारिया के पीछे खड़े नीरज ग्रोवर पर पड़ गई। आपत्तिजनक स्थिति में नीरज ग्रोवर को देखकर जेरोम मैथ्यू गुस्से में आग बबूला हो गया और नीरज के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस बीच मारिया ने इन दोनों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। नीरज ग्रोवर से लड़ते हुए जेरोम मैथ्यू की नजर रसोई में सब्जी काटने वाले चाकू पर पड़ जाती है और गुस्से में आकर उसने सब्जी काटने वाले चाकू से नीरज के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। जेरोम मैथ्यू के गुस्से में लगातार चाकुओं के वार करने की वजह से नीरज ग्रोवर की मौके पर ही मौत हो गई। नीरज ग्रोवर की मौत होने के बाद ये दोनों घबरा गए। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि लाश को किस प्रकार से ठिकाने लगाया जाए। इसी कसम कसम सुबह के 8 बज गए और चारों तरफ लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि इन लोगों ने नीरज ग्रोवर की हत्या करने के बाद रिलैक्स होने के लिए जिस्मानी संबंध भी बनाए थे। सुबह होने की वजह से मोनिका और जेरोम ने नीरज की लाश को बाथरूम के अंदर रख दिया और दुकानों का खुलने का इंतजार करने लग गए। करीब 11 बजे मोनिका अपने नजदीकी मॉल से 2 बड़े बैग, चाकू, रस्सी, एयर फ्रेशनर जैसे सामान खरीद कर अपने घर वापस आ जाती है। मारिया मोनिका सुसाईराज और इमाइल जेरोम मैथ्यू ने नीरज ग्रोवर की लाश के करीब 300 टुकड़े किए। पहले इन टुकड़ों को काली पॉलीथीन में रखा और उसके बाद पॉलीथीन को बड़े बैग के अंदर डाल दिया। जेरोम और मोनिका के सामने अब भी एक परेशानी थी, आखिरकार इन प्लास्टिक के बैगों को बाहर कैसे ले जाया जाए, क्योंकि मोनिका के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी। इसीलिए नजदीक में रहने वाले अपने दोस्त की कार की मदद से दोनों बैगों को बड़ी सावधानी से गाड़ी के अंदर रख लिया और महाराष्ट्र के पालघर के वाडा के जंगलों की तरफ निकल गए। लेकिन इनको नहीं पता था कि प्लास्टिक के बैगों को गाड़ी में रखते हुए एक चौकीदार ने इन्हें देख लिया था। जेरोम और मोनिका ने जंगल की तरफ जाते हुए भयंदर के पेट्रोल पंप से करीब 2 लीटर पेट्रोल खरीदा ताकि नीरज ग्रोवर की बॉडी को जला सके। मोनिका और जेरोम मैथ्यू ने वाडा के जंगलों में पहुंचने के बाद नीरज ग्रोवर की बॉडी के टुकड़ों को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। नीरज की बॉडी को डिस्पोज करने के बाद मारिया ने गलती से नीरज का फोन उठा लिया। मारिया ने नीरज के दोस्त से कहा कि नीरज किसी काम से बाहर गया है और गलती से अपना फोन मेरे पास भूल गया है। नीरज ग्रोवर की लाश को ठिकाने लगाने के बाद ये लोग सबूत मिटाने की कोशिश में लग गए। इन दोनों ने फ्लैट में लगे दीवारों पर खून के धब्बे मिटाने के लिए दीवारों का पेंट कर दिया। कत्ल को छुपाने और पुलिस के हाथ कोई भी सबूत ना लगे, इसीलिए घर की चादर, यहाँ तक कि इन लोगों ने फर्नीचर भी बदल दिया। नया घर शिफ्ट होने की वजह से सबूतों को मिटाते समय मोनिका और जेरोम मैथ्यू पर किसी को कोई भी शक नहीं हुआ। सबूत मिटाने के बाद अब इन लोगों को गवाहों की जरूरत थी जो ये कह सके कि उस रात ये हमारे साथ थे। इसके लिए इन दोनों ने इमाइल जेरोम मैथ्यू के एक दोस्त को गवाह बनने के लिए कहा, परंतु मैथ्यू के दोस्त ने ये कहकर मना कर दिया कि वे पुलिस के सामने झूठ नहीं बोल सकता और वो किसी भी लपड़े में नहीं पड़ना चाहता। वहीं दूसरी तरफ नीरज ग्रोवर के परिवार वालों का जब कई दिनों तक नीरज से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ तो वो परेशान हो गए। इसी के चलते परिवार के सदस्यों ने नीरज ग्रोवर के गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज कराने वालों में मोनिका मारिया सुसाईराज भी थी। नीरज के गायब होने से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज में हड़कंप मच गया, क्योंकि उस समय नीरज ग्रोवर फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी हस्ती थी। इस हाई प्रोफाइल केस का दबाव मुंबई पुलिस पर बढ़ता जा रहा था।
लेकिन पुलिस के पास कोई भी सुराग और सबूत नहीं था कि जिसकी वजह से वे नीरज का पता लगा सकें। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने नीरज ग्रोवर से जुड़े उन सभी दोस्तों से पूछताछ की जो उसके सबसे ज्यादा नजदीक थे। पूछताछ के दौरान दोस्तों से पता चला कि उसकी दोस्ती मारिया मोनिका सुसाईराज से है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने मोनिका को एक फ्लैट किराए पर दिलाया था और उसे फ्लैट में शिफ्ट होने में मदद की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच को नीरज के दोस्तों से पता चला कि जिस रात से नीरज ग्रोवर गायब था उस रात उसका फोन मोनिका ने उठाया था। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने मोनिका और नीरज ग्रोवर की लोकेशन से लेकर कॉल रिकॉर्ड तक निकलवाए, जिससे साफ हो गया कि गायब होने वाली रात नीरज ग्रोवर मारिया मोनिका सुसाईराज के फ्लैट पर था। उसी दौरान मारिया पुलिस के पास आती है और नीरज ग्रोवर के मोबाइल को पुलिस को हैंड ओवर करती है। पुलिस की पूछताछ के दौरान मारिया ने कहा कि उस रात नीरज ग्रोवर उसके घर पर आया था, लेकिन कुछ काम होने की वजह से वो बाहर चला गया और अपना फोन मेरे पास भूल गया। मारिया के लगातार बयान बदलने से ये तो साफ था कि मारिया को नीरज के बारे में सब कुछ पता है। लगातार कड़ाई से पूछताछ के दौरान करीब 14 दिन बाद मारिया ने नीरज ग्रोवर की हत्या की बात कबूल की। इसके बाद मुंबई पुलिस ने मारिया समेत उसके बॉयफ्रेंड एमिल जेरोम मैथ्यू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच के पास ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं था जो इन दोनों को अदालत में दोषी साबित कर सके। इसी के चलते मुंबई क्राइम ब्रांच ने जेरोम मैथ्यू और मोनिका के कॉल रिकॉर्ड की हिस्ट्री निकलवाई। कॉल रिकॉर्ड हिस्ट्री से पता चला कि 7 मई 2008 से और 21 मई 2008 के बीच जेरोम मैथ्यू और मोनिका के बीच करीब हजारों कॉलें हुई। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन दोनों के द्वारा बताई गई उस जगह से नीरज ग्रोवर की बॉडी के पार्ट जैसे कि दांत और कुछ हड्डियां इकट्ठी की और उन्हें फोरेंसिक टीम ने डीएनए टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट से ये साबित हो चुका था कि ये सारी हड्डियां और दांत नीरज ग्रोवर के ही हैं। नीरज ग्रोवर मर्डर के सालों तक अदालत में चलता रहा। डेड बॉडी ना होने की वजह से मुंबई क्राइम ब्रांच को सबूत इकट्ठे करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन साल 2011 में मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मारिया ने अदालत के सामने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन बयान बदल दिया। मारिया ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। इमाइल जेरोम मैथ्यू और नीरज ग्रोवर की लड़ाई के दौरान मैंने उन दोनों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जेरोम ने मुझे भी मार देने की धमकी दी, इसीलिए मैं पीछे हट गई। कोर्ट ने सभी की दलीलों को सुना और सारे सबूतों की गहराई से जांच पड़ताल की। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने इमाइल जेरोम मैथ्यू को आईपीसी 1860 के सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सजा सुनाई। मारिया को सेक्शन 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी बताते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। जिस दिन सजा सुनाई गई उसी दिन मारिया जेल से बाहर आ गई, क्योंकि उसने 3 साल से अधिक का वक्त जेल में बिता लिया था। इन दोनों को कोर्ट में सजा दिलाने में सोसाइटी के गार्ड की गवाही ने अहम रोल अदा किया। गार्ड ने अदालत को बताया कि उसने इन दोनों को गाड़ी के अंदर बैग रखते हुए देखा था। कोर्ट ने इन दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस हत्या को प्लान बनाकर अंजाम नहीं दिया गया था, बल्कि ये एक गुस्से में किया गया कत्ल था। इमाइल जेरोम मैथ्यू कोई हथियार लेकर नहीं आया था। मारिया ने इमाइल जेरोम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। नीरज ग्रोवर के पिता अमरनाथ ग्रोवर और परिवार के सदस्य कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले की ठीक तरीके से जांच नहीं की। आगे नीरज ग्रोवर के परिवार के सदस्यों ने कहा कि ये सरकार का काम है कि वे इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आगे की लड़ाई लड़ सके, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड को किसी भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया गया। जेरोम साल 2018 में जेल से बाहर आ गया। हालांकि इस हत्याकांड के बाद लोगों की अलग अलग राय थी। लोगों का मानना था कि फिल्मों में काम ना दिलाने की वजह से मारिया मोनिका सुसाईराज ने अपने बॉयफ्रेंड इमाइल जेरोम मैथ्यू के साथ इस हत्याकांड को प्लान बनाकर अंजाम दिया था। हालांकि इस हत्याकांड के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपने स्टेटमेंट में ये कहीं भी नहीं कहा था कि नीरज ग्रोवर की लाश के 300 टुकड़े किए गए थे, लेकिन पत्रकारों द्वारा अनुमान लगाया गया था कि यदि किसी मुर्गे के टुकड़े किए जाए तो करीब 20 से 25 टुकड़े होंगे।
इसी बात का अनुमान लगाकर लोगों ने नीरज ग्रोवर की लाश के 300 टुकड़ों की बात कही, लेकिन ये बात सच नहीं है। हालांकि इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि नीरज ग्रोवर की लाश के टुकड़े किए गए थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। शुक्रिया।